जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मोबाइल सेवा से रोक हटने के बाद पहली मुठभेड़। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जिंदगी पटरी पर लौट आई है। घाटी में मोबाइल सेवा फिर से बहाल हो गई है और यही वजह है पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। आतंकी एक बार फिर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों पर एक बार फिर पानी फेर दिया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मारे गए 3 आतंकवादी स्थानीय हैं और सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया। पुलिस को अनंतनाग के बिजबेहरा के पजालपुरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने बीती रात को तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकी एक घर में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो जवानों ने घर को विस्फोट से उड़ा दिया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में नासिर चद्रू हिजबुल कमांडर था। उधर श्रीनगर से हयात डार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर लोगों को भड़काने का आरोप है। इन सब के बीच सुरक्षा बलों ने कश्मीर के किसानों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है। Security will be provided. They will be allowed to reap the harvest. They will be allowed to sell their fruits to whomsoever they want to, including NAFED, the initiatives of government. And I would ensure that the security to all the farmers of Kashmir, of the apple growers and others also, all the people who want to indulge in the entrepreneurship or the business will be provided by the state, and this is our responsibility. उधर कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी था और मजदूरी करने के लिए कुछ दिन पहले ही कश्मीर आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।